मेरे को एक 15,000 के अंदर सबसे बेस्ट मोबाइल दो, प्रोसेसर के अंदर भी बेस्ट होना चाहिए, बैटरी के अंदर भी बेस्ट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये जो शॉप है, इस शॉप का वीडियो आज से लेकर तकरीबन एक साल पहले मैंने बनाया था, दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए इसमें व्यूज़ है, 38,000 व्यूज़ है, और ये शॉप का लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं आज कितना डिस्काउंट पे जो है हमें मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। तो छोटा मुन्ना पंको, हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और 4 साल बाद मेरा ये मोबाइल जो है आसूस ज़ेनफोन मैक्स M1, पिछले 3.5-4 साल से मैं इसको चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मेरा साथ दिया है ये मोबाइल। लेकिन जो है आज इसका रिटायर्ड करने का टाइम आ चुका है, और आज जो है मैं इसको रिटायर करने जा रहा हूँ, एक नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ कौन सा मोबाइल खरीद सकते, चले मार्केट पे जाके मोबाइल खरीदेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन का सफर नहीं, क्योंकि इसका टच खराब हो गया है गिर के, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी जो है मैं घर से निकलने वाला हूँ, और मेरे साथ जाने वाला है मेरा साली, और ये है मेरा साली साहिबा। तो हेबजूर किधर है? अरे ये शोरूम के सामने आना, ये शोरूम के सामने जुरा रहा है, लग गया। अरे साला टक्कर मारते मारते रह गया, क्या हाल है? चल कौन सा मोबाइल लू 15,000 के अंदर रेगुलर यूज के लिए? नया है ना, वीवो। वीवो कौन सा? T1 5G। हम शॉप के लिए निकल चुके हैं यामा शोरूम के सामने से, क्योंकि हबीजुर इधर ही आया हुआ है। यार बात करूँ कि आप अगर बोलो कि शाहनूर भाई आप 15,000 के बीच में मोबाइल क्यों खरीद रहे हो, तो ऐसे देखो हमारे पास आईफोन, सैमसंग अच्छा खासा मोबाइल है, लेकिन क्या ना, एक नॉर्मल यूज़ के लिए एक मोबाइल चाहिए जिसके अंदर फ़ोन एंड व्हाट्सएप यूज़ के लिए, बाकी हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इस डेट की बात करें 3 मार्च के अंदर, अगर बेस्ट मोबाइल फ़ोन हमें चाहिए वो 15,000 या 15-16,000 के बीच में, तो इससे बेहतर मोबाइल फ़ोन जो है हमारे मार्केट में फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। मैं ऑनलाइन से ले सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में देखिए यही बेस्ट मोबाइल ही होगा, अलग मोबाइल और क्या होगा। मैंने जितने भी रिसर्च किया एंड देखा, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, प्राइस भी मतलब अगर HDFC का डिस्काउंट लगा दे तो उसका प्राइस हो जाता है 15,000। लेकिन अभी तो मैं ऑफलाइन लेने जा रहा हूँ, तो HDFC का डिस्काउंट मुझे नहीं मिलेगा, मुझे 15,000 का जो मोबाइल है उसको 16,000 में ही ख़रीदना पड़ेगा। अभी अगर दुकान वाले कुछ डिस्काउंट देते हैं तो अलग बात है, ठीक है ना। और मोबाइल का अगर मैं मटेरियल के बारे में बात करूँ इस मोबाइल का, क्योंकि मैंने इस मोबाइल को पहले भी हैंड टू हैंड मैंने यूज़ किया। और हेबजूर ये ब्लैक कलर वाला ले या वो ब्लैक? ब्लैक ही अच्छा लगता है, ब्लैक ही ले लेते हैं। नहीं, ये स्काई ब्लू एक कलर था एंड ब्लैक कलर है, और मैं जितना भी मोबाइल यूज़ किया सब ब्लैक ही यूज़ किया, लेकिन मेरा आईफोन जो है वो वाइट है। तो अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक लू या ब्लू लू, स्काई लू। तो हेजुर को बोला कि आगे जाके तू चेक कर कहाँ पे मतलब कौन सा मोबाइल अच्छा मिल रहा है, मतलब कलर अगर डिफरेंस कलर मिलता है तो हम वहाँ से ही ले लेंगे, वरना हम अपना मुन्ना भाई का शॉप है यहाँ से ले सकते। तो चलिए पहले मैं मुन्ना भाई के शॉप के सामने बाइक लगा देता हूँ, और अजान भी हो गया, और फाइनली ये आ गया है मुन्ना भाई के वीवो स्टोर के सामने। यहाँ पर हर एक तरह का मोबाइल मिलता है। ये जाओ आगे चलो, ये देखो मेरा सिस्टर इन लॉ एंड अभी आ चुके हैं। हे क्या ले, आज कुछ नहीं बोलेगा कैमरा ऑन है? वीवो T1 5G 420 अवेलेबल, 4128, ओके नो इशू, बट ओनली फॉर कॉलिंग एंड व्हाट्सएप यूजिंग पर्पस। ये जो मोबाइल है पिछले 4 साल से मैं इस मोबाइल को यूज़ कर रहा था, तो आज फाइनली इसका मतलब एक्सपायरी डेट आ चुका है। और ये मोबाइल मेरा काफ़ी अच्छा साथी था, कभी हैंग नहीं हुआ, लेकिन गिर के टूट गया, तो अभी इसका ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। शिजू भाई क्या हाल है? तो चलो, शिजू भाई ने भी नया शॉप ओपनिंग किया है, मुझे बुलाया था तो मैं आ नहीं पाया, देखता हूँ। हाँ अरे मैं थोड़ा बिजी था, ससुर के घर गया हुआ था। ये बेबी क्या कौन? ओई ये ओनली फॉर बेबीज, मस्त शॉप दिया, कभी आएंगे घूमने, अभी तो शादी वादी भी कर ली, अभी बच्चा अच्छा तो होंगे तब तो आना ही पड़ेगा। हाँ अभी आज का वीडियो में ये लग जाएगा, मोबाइल खरीदना है तो इधर ही हो जाएगा। हेबजूर लखीपुर के अंदर एक ही शॉप है जहाँ पर ओनली फॉर बेबीज के लिए क्लोथ वगैरह मिलेगा, कपड़ा वगैरह मिलेगा। हाँ एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी ब्रांडेड, फिक्स रेट, फिक्स प्राइस, नो क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट भी कौन लेता है? फेसबुक रिलेशनशिप मैनेजर फोन किया, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था फेसबुक रिलेशनशिप मैनेजर की तरफ से, हमारा वो अलग सेक्टर है उसको छोड़ो। अभी इन्होंने मेरे सामने ये मोबाइल हाजिर किया, वीवो का T1 5G, और अभी भी इसको पता नहीं है हम कौन सा मोबाइल के लिए इधर आए थे। असल में हम इसी मोबाइल के लिए इधर आए थे, तो इसके लिए तुझे थैंक यू पहली बार, मतलब तेरा और मेरा एक ही चलता है। तो
तो अभी पूरा सील पैक है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है ये बता पहले भाई। एकदम ऑनलाइन प्राइस, मतलब ऑनलाइन प्राइस दे रहा है, सिर्फ फ्री के अंदर जो है टेम्पर्ड ग्लास दे रहा है, और क्या देगा, और वो मैं ले लूँगा मिठाई खाने के लिए, कुछ पैसा दे देना। अरे इधर आ, रुको, इधर आ, इसके हाथ से कटाता हूँ मैं, ये लो इसको पकड़ो, ये मेरा सिस्टर इन लॉ। पहले तो बॉक्स के अंदर, बॉक्स का क्वालिटी ठीक ठाक है, और मैंने जिंदगी में ना वीवो एंड ओप्पो एंड रियलमी का मोबाइल नहीं चलाऊंगा ऐसा शपथ लेके रखा था। रुक जाए एक सेकंड मैं निकालता हूँ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कैमरा पे फोकस किया करता था, और आप, मैं एक सच बात बताऊँ, इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक, मतलब सिलिकॉन का एक कवर दिखने को मिलता है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, और फाइनली हमारे हाथ में एक हैंडसेट, वो मैंने ब्लैक कलर लिया, एंड आपको जो है आप और एक एडाप्टर मिल जाता है 18 वाट का, मतलब ये एडाप्टर है, एंड टाइप सी केबल है, और एक इजेक्टर टूल है, तो इनको अभी साइड में रखते हैं, इनका ज़रूरत हमें उतना नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है, एक इस मोबाइल का एक चीज़ क्या है आपका, इसका जो मतलब ये रहो कट कर सकी उसे ऑन क्या है टिपा खाया ऐसे कि कोबे एकदम फाइनल ऑन है ऐसे है। अरे भाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा ऑन द बॉक्स मोबाइल ऑन आ गया है, ये बटन दबा कर भी ऐसा नहीं हो सकता भाई इसके साथ। अरे वो सेटिंग कौन मिलाएगा, रुक 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 रुक, मेरे को हाथ मत दे, हाथ मत दे। अरे भाई टेंशन मत कर, टेंशन तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन सील पैक मोबाइल ऑन मोबाइल निकल गया, ये कुछ मुझे, रुक एक सेकंड, एंड इस मोबाइल का प्रॉब्लम क्या है, रुक, ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पर स्क्रैच लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है रे भाई, कुछ नहीं, ऊपर कुछ टेम्पर वगैरह कुछ दिया गया है, कुछ नहीं लगा दे रहा है। अब जियो का ये भी आ गया है, ये क्या लफड़ रहा है इधर। तो गाइस ये जो है मोबाइल है, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस अभी जो मोबाइल मैंने खरीदा 15 या 16 हज़ार के बीच में सबसे बेहतर मोबाइल है। अगर मैं बात करूँ 2022 का, और वो भी जो है 4 मार्च के पहले जो भी मोबाइल मार्केट में आया है, उनमें उसके अंदर जो 15 हज़ार के अंदर बेस्ट मोबाइल है। अभी 11:27 हो चुके हैं, मैं ये लास्ट मतलब वीडियो एडिट कर रहा हूँ, एंड मतलब जो आप पहले वीडियो देखे वो वीडियो थे आपका 3 मार्च का, और आप जो ये थोड़ा टाइम के अंदर 4 मार्च होने वाला है। तो यार आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आप इस टाइम में कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मोबाइल आप खरीद सकते हैं। देखिए ऐसा स्पेक वगैरह मैं बताऊंगा, इतना जीबी है, लेकिन प्रोसेसर भी लेटेस्ट प्रोसेसर है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है। वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की जय।